अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार। एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से आपको मिलवाते रहते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते रहते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही एक डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाहौर की जब सियासत की बात करें या लाहौर के सोशली यानी कि उनकी फैमिली की बात करें तो एक ही नाम हमारे सामने आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुहेज़िया भट्ट साहब के घराने की। उनके चश्मो चराग, उनके फर्जन उमर सुहेज़िया भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज के ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। मेरे साथ गेस्ट है उमर सुहेल ज़ियाफ़त साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपकी खूबसूरत बातें सुनने का हमें मौका मिलेगा जी। मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है जी उमर भाई कि मैं आज आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने लगा हूँ। उमर साहब ये बताइएगा, मेरा जो कि प्रोग्राम है ख्वाबों से तबीर तक, नाम से ज़ाहिर है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपका बचपन कैसा गुजरा, लोग जानना चाहते हैं। और आपके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके क्रेडिट्स में, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले लोग जानना चाहेंगे एज ए लाहौरी, आप बहुत मियां साहब के भी करीब रहे, उन फैमिली के करीब और हैं भी, तो ये सारे थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा हमारे व्यूज़ को प्लीज़। देखें जी, बेसिकली मेरे जो दादा दयाउद्दीन भट्ट साहब, उनके वाले साहब जो हैं वो कायदे आज़म के रुफ़ कार में थे और जलियांवाला बाग में जब अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी तो उनमें मेरे परदादा जो हैं ग़ुलाम मोहम्मद साहब, उनको भी वहाँ पे जो हैं वो गोलियां लगी। उसके बाद मेरे दादा जो हैं वो बीटी मेंबर भी रहे और फातिमा जिना के साथ रहा, उन्होंने अयूब खान की मुखालफत की और दो दफ़ा वो बीटी मेंबर रहे। मेरे वाले साहब भी जो है उनकी भी एक जिद्दोजहद और पहचान है और पार्टी को लाहौर में सरगर्म करने में उनका बहुत अमल दखल है और उन्होंने गरीबों की जो मदद और मोहब्बत का जज्बा मैंने अपने वाले साहब में देखा और सीखा वो मेरे लिए बड़ी मशरेरा था, क्योंकि मेरी जो है पैदाइश वो मॉल टाउन में हुई, एशियन कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद अमेरिका चला गया और स्कूल के ज़माने में राइडिंग के घोड़ों से ले के 80s में वो भी मेरे वाले साहब ने दो थोरोब्रेड घोड़े जो है वो मेरे लिए घर में रखे, उसे कराटे इंस्ट्रक्टर और तमाम फैसिलिटीज जो थी वो मौजूद थी और इमारत में या बहुत अच्छे तरीन हालात में जो है वो मेरी परवरिश हुई, जिसके प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वापस आया और सियासत का इब्तिदा की तो क्योंकि एक दिन मैंने किसी गरीब को देखा तो मुझे मैंने थोड़ा अवॉइड किया उसे हाथ मिलने से, तो मेरे सेक्रेटरी ने मुझे कहा भट्ट साहब आज किसी बड़ी ज्यादती की, मैं कहा कि उन्होंने कहा भट्ट साहब होंगे तेनू गले लाते और वो ऐसा, क्योंकि उसके वाले साहब मियाँ साहब के साथ सऊदी अरब में इज़राइल में थे। मैं अगली दफ़ा गया, मैंने कपड़े काला, उससे मेरा बड़ा पसंदीदा रंग था और वो आपको पता है काली गाड़ी हो या कपड़े हो गंदे जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने उस तंदूर वाले को जफ़ी डाली और वो रोटियां लगा रहा था और मैंने उसके बाद देखा कि मेरे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल साफ़ थे और उनमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। फिर मेरे अंदर एक बड़ा चेंज आया और अब मैं जिस मर्ज़ी जगह पर, बल्कि अभी कोविड हुआ हुआ है, मैं दोस्तों के साथ, कुछ दोस्त मेरे अमेरिका से आए थे उनको ले कर कुमराट
वैली हम गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, फिर उन्हें मैंने पहले कहा, फिर मैंने कहा अगर मेरे बच्चे हों तो मैं उनको पास बुलाऊँ। तो मेरे ख्याल से जो मैंने ख़ास तौर पे कोविड में एक एनालिसिस किया और हर बंदे को शेयर करता हूँ कि ये अल्लाह पाक ने हम लोगों को ख्वाब गफलत से जगाया, नो डाउट। इसमें दो चीज़ें, मेरी नमाज की जो है पाबंदी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी आई है, और दूसरा जो है लोगों की मदद। यह दुनिया का माल जो है वो जितना मर्जी कमा ले, उसने एंड ऑफ द डे दुनिया में रह जाना, तो वो जो हम अपने हाथ से उसकी राह में खर्च करें, लोगों की मदद में खर्च करें और बाकी मामलात में खर्च करें, वो आगे भी जाएगा, वो हमें दुनिया में भी पे करता है, वो आखिरत में भी पे करता है, और रिस्क में जो है वो बड़ी बरकत और कसरत है। उमर साहब, ये तो बड़ी अच्छी सोच है, नो डाउट। ये कोविड ने दुनिया को चेंज करके रख दिया है और ये माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा CSR के हवाले से आप लोग और आपका दारा। उमर साहब, ये बताइएगा आपकी जो इंस्पिरेशन थी बचपन से वो किससे थी, यानी कि अपने वालद साहब से कि दादाजी से, कहाँ से आपने ये सारी इंस्पिरेशन ली और फिर ये जज्बा आपके साथ कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए? देखिए जी, जब मैं अमेरिका से पढ़ कर आया और ये वो टाइम होता है कि आपको अपने वालद साहब की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, वो वक्त मैंने अपने दादा के साथ गुजारा, और वो इकबाल के बहुत बड़े जो है मदा थे, और कलाम इकबाल जो है उन्हें इस उम्र तक जो है वो शिकवा जवाब शिकवा बड़े शौक से पढ़ते थे, बड़े जुनून से पढ़ते थे, और वो तालीम के बड़े हक में थे और वो सोशल वेलफेयर के बड़े हक में थे, और वो इस्लाम को एज अ रिलीजन लेते थे, और वो कहते थे कि जो इसके प्लस पॉइंट है, जो बेसिकली इस्लाम है, वो आपका आपके पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना, आपका आपके हकुकुल इबाद है, वो सूद के बड़े सख्त खिलाफ थे। उनकी जो दो से तीन इंडस्ट्री थी जो अब बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो उस तरीके से उनके बाद वो किसी ने उस पर टाइम नहीं दिया, तो उन्होंने हमेशा इंटरेस्ट को और इन चीज़ों को जो है, दाढ़ी उन्होंने नहीं रखी हुई थी मगर वो कहते थे मेरे अंदर दाढ़ी, बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल से अगर इस्लाम की जो ब्यूटी है, जो इस तरह इस्लाम बरसगीर पाको इनमें तलवार या बंदूक की नोक से नहीं है, वो लोगों के अमाल से आया, प्यार से ज़्यादा अमाल से आया। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि रिश्ता एहसास का है, अगर हमें एहसास नहीं तो हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। और आजकल तो मेरे ख्याल से इस मटेरियलिस्टिक दौर में मेरी तो अल्लाह से यही दरख्वास्त होती है और कि अल्लाह पाक आफियत वाला रिस्क दे, और ईमान की और मेरे बच्चों के ख़ानदान के दोस्त अहबाब के सब की जो है हमारे ईमान की हिफाजत हो। बहुत बहुत अच्छी बात है जी। उमर साहब, ये बताइएगा आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही, यानी कि इस मामले में बड़ा मशहूर है खुश अखलाकी के अतबार से और मेहमान नवाजी के अतबार से, तो ये कि आपकी विरासत में ये चीज़ें मिली है? देखें जी, ये जो मेहमान है वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं, और ये हमारी फैमिली नहीं, हमारा दीन हमें मेहमान नवाजी का दर्स देता है। और अगर आपने मेहमान नवाजी देखनी है तो फिर मदीना वालों से आप देखें, वो नस्बत जो है नस्बत मदीना, तो मेहमान नवाजी किस तरीके से, किस जज्बे से जो है वो अंसार मदीना ने जो है वो मदद की थी, वो तो इस्लामी तारीख में लिखा हुआ है कि जिसकी दो बीवियाँ थी उसने एक बीवी जो है वो मक्के से आने वालों को दी थी। तो हम तो उनका अशरे शीर भी नहीं है, मगर कोशिश करते हैं कि अपने अल्फाज से, और ख़ास तौर पे एक माँ का बड़ा अमल दखल होता है, और मैंने तो बचपन से अपनी माँ की तरबियत गुजार देखा है माशाल्लाह, और गरीबों की मदद करते हुए, और अगर उन्हें मैंने रोका ना कि आप इस बंदे को ना कहें, उस बंदे को ना करें, उन तक किसी साहिल ने या किसी बंदे ने अप्रोच किया है तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जिस मर्जी को, वो उनका पैगाम जो है वो दे देती है। और अल्लाह कलसूम नवाज साहिबा की आंटी की जो है वो बड़ी मकसरत करे, अभी कुछ दिन पहले हसन भाई से बात हो रही थी कि वालदा पास बैठी हुई थी तो उनका जिक्र शुरू हो गया, तो वो भी हमारे ख़ानदान में एक बहुत ज़्यादा खुदा तर्स औरत थी, और वो इतनी मदद लोगों की करती थी, और अक्सर उन्होंने मेरी वालदा को भी जो है वो कह देना कि फलां के साथ भाभी आप ये जो है ये मामले करें, क्योंकि अब हम वज़ीर आज़म बन गए, हम तक लोगों की दस्तरस नहीं है,
और मियां नवाज शरीफ साहब खुद बताते ख़ुद भी जो है वो लोगों की बहुत मदद और ये मामलात करते हैं। तो मेरे ख़्याल से आप बेशक इसका इस्लाम से ज़्यादा ब्रिज की जो बढ़ावे जो में जो है वो मेरे ख्याल से खुदा की राह में अगर आप नहीं खर्च कर सकते तो फिर अल्लाह आपको रिस्क नहीं दे सकते। अच्छा उमर साहब, मेरे लिए बड़ी खुशी वाली बात है, मैं बड़ा हैरान भी हूँ, इंस्पायर भी हूँ इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी से। मुझे यहाँ पर आने से पहले शायद मेरे माइंड में पिक्चर थी कि मैं एक रवायती पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी बातें सुन के, आपकी यानी कि जो अप्रोच है, थॉट्स है कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। मियाँ साहब, अभी तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरीके से बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और अपने काम की तरफ जो है वो ध्यान दिया हुआ है, मगर मैं आपको हाशा लिल्लाह या मेरे हल्के की आवाम से और किसी बंदे से, मेरे सेक्रेटरी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी जो है वो झूठ नहीं बोला। जब मैं लोगों से मिलता था तो मेरे जो सेक्रेटरी है ना वो मेरी ये टांग पकड़ के गोडा दबा देती, मैं कहा हमने 60 साल लोगों से बहुत झूठ बोल लिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैंपेन से लेके जिस बंदे से जो काम मैं कर सकता था उसमें हाँ किया, जो काम मैं नहीं कर सकता था साफ उसे साफ ना ना गुड। और ये जो यानी कोलो फेल में तजाद नहीं, नहीं 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 जी नहीं, मैं अक्सर मेरे बुजुर्ग भी हैं सीएम साहब, इस बात पे नाराज भी हो जाते थे, जो पैगाम जो बात मुझ तक पहुँची है और मेरे दिल ने कहा ये बात आगे होनी चाहिए, मैंने सिर्फ अल्लाह के खौफ को आगे रखा, बाकी जो बात होती थी मैं आगे कर देता। रात को नींद जो है वो सुकून में आनी चाहिए, मैंने किसी की कब्र में नहीं जाना ना किसी ने मेरी कब्र में जाना। और अगर हम हकूकुल बात दिया जो सिस्टम जो है ये आपका प्रोग्राम है ख्वाब और ताबीर, जब मैं 2007-08 में जो है वो सियासत में आया और मैंने बड़ा तो बड़े इनकलाबी जो है वो ख्यालात थे, मामला उम्र का भी तकाजा था शायद नहीं, मगर ये जो सिस्टम और जो करप्शन या जो ना अहली या जो जिस तरह का ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ये उन ख्वाबों को जो है वो चकनाचूर कर देते, आप जो मर्जी कर लें सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग और सिस्टम फिर आपको चलाते। इस पर हम मजीद बात करेंगे उमर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उमर सुहेल भट्ट साहब हैं जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है और ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में आज हमारे गेस्ट है। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जो है वहाँ से आगे फैसल टाउन को जो सड़क डबल रोड सारी बनी है वो भी जो मौलाना है शौकत अली रोड, मौलाना शौकत अली रोड अलग है और वो फैसल टाउन वो जहाँ पे फ्लैट है वो वाली भी जो मेन सड़क है वो भी सड़क जो है वो तमाम सड़कें वो मेरे दौर में ही बनी और उसके बाद जो है वो नहीं बनी, तो काम डेवलपमेंट का काफ़ी किया और कई चीज़ें रह गई। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेरे साथ उमर सुहेल भट्ट साहब हैं, हम जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जी। उमर साहब व्यूअर्स को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक रिकॉर्ड ये भी है कि आप यंगस्टर MNA रहे हैं, यानी कि 26 साल की उम्र में आपको टिकट मिला और आप MNA बन के, तो आपका जो विजन था तब या जो ख्वाब थे या जो अरमान थे कि MNA बन के मैं लोगों की खिदमत करूँ, तो वो कर सकें आपके नहीं उस दौर में लोगों तक डिलीवर कर सके कि नहीं पर्सनली तौर पर? देखें जी, इस इलाके के जो पचीदा मसाइल से, क्योंकि बेसिकली पढ़ा लिखा इलाका भी है प्लस इसमें आबादी भी है, और उस वक़्त जो है वो 180 के से ज़्यादा MNA MP और सेनेटर इस हल्के में रिजाइड करते थे। ओके, इस हल्के में बिलावल हाउस भी था तब, जरदारी हाउस जी ब्लॉक में था, उधर नहीं गया हुआ था बैरिया टाउन, इधर मियां साहबान का भी घर था, इधर चौधरी साहबान का भी घर था, इधर आप जिस मर्जी बंदे का नाम ले लें, चाहे उस वक्त के वज़ीर दाखला अहमद मुख्तार का नाम ले लें, सरदार अयाज सादिक का नाम ले लें, मलिक परवेज का नाम सब लोग रहते थे, नसीर भुट्टा भी उस वक्त मेंबर कौमी असम्बली उनका नाम ले लें, मैं बनफ्से नसीर इसी हलके का था, तो इधर जो है वो मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियन बड़ी मुख्तलिफ किस्म की, इसमें लाहौर का अमीर तरीन इलाका भी था और यहाँ पे गरीब तरीन इलाके भी थे। यहाँ पे कबूतर पूरा था, कुर्बान लाइन था, पापड़ा था, चकियाँ था, नवाज शरीफ कॉलोनी थी और मैं अपोजिशन का मेंबर था। उसके बावजूद क्योंकि पंजाब में हमारी हुकूमत थी तो जहाँ तक डेवलपमेंट का काम रहा, चाहे
ये कलमा चौक फ्लाईओवर हो चाहे एमएम आलम रोड जो आज की बनी हुई, ये भी मैं इसका जुता मैं करके गया, लिंक रोड की अपग्रेडेशन हो, और ये जो फैसल टाउन जिनाह हॉस्पिटल के सामने वाला शौकत अली रोड है उसकी भी जो है वो तामीर जो है वो हम करवा के हमने करवा के दी। फिर फैसल टाउन से जो है वहाँ से आगे फैसल टाउन को जो सड़क डबल रोड सारी बनी है वो भी जो मौलाना है शौकत अली रोड, मौलाना शौकत अली रोड अलग है, और वो फैसल टाउन वो जहाँ पे फ्लैट है वो वाली भी जो मेन सड़क है वो भी सड़क जो है वो तमाम सड़कें वो मेरे दौर में ही बनी और उसके बाद जो है वो नहीं बनी। तो काम डेवलपमेंट का काफ़ी किया और कई चीज़ें रह गई, मगर मैंने अपने हलके की आवाम से फिर एक स्कूल है जो इधर वादत कलोनी का स्कूल था, वो मेरे प्री डिसेसर दो तीन एम एन ए जो साहब पायलट स्कूल उसमें उसका इशू था फंड्स का कि वो फेडरल और उसके अंदर जो है वो मसला था। तो मैंने ज़ाती तौर पर अपने दोस्तों से उस टाइम 1.25 करोड़ रुपया जो है वो अरेंज करवा के उसका जो है वो मसला हल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने वादे इलेक्शन कैंपेन में किए थे उनसे ज़्यादा जो है वो डिलीवर किया, मगर कई चीज़ों में जो है वो दिल खून के आंसू रोता था कि अगर एक चीज़ की शिकायत की है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सियासतदानों को तो आप स्केपगोट करते हैं, जो असल तबाही मचाती है वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वो इतना सख्त है, वो इतना रिजिड है, और वो इतना करप्ट है कि वो जो है आप जिस मर्जी तरीके से जो है वो आप देख लें वो अपने पैरों के ऊपर जो है वो मट्टी नहीं आने देते। असल इशू यही है, असल इशू यही। उमर साहब, आप मियां नवाज शरीफ फैमिली के बहुत करीब रहे हैं और हैं भी, है फैमिली है आपकी, ठीक है, रिश्तेदारी है, तो आपने पर्सनली मियां साहब को और उनके साथ काम भी किया, मियां शहबाज शरीफ के साथ भी, नवाज शरीफ के साथ भी, और कैसा पाया उनको, और उसके बाद जो नई उनकी क़यादत है जैसे हमजा हो गया, मरियम साहिबा हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि नई क़यादत के हाथों में वो मुस्लिम लीग नवाज महफूज है कि पुरानी क़यादत ज़्यादा थी अभी मौजूदा हालात के लिए? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ साहब का तो नेमुल बदल नहीं है इसमें कोई, ज़ाती तौर पे भी उन्हें मैंने पाकिस्तान में कोई लीडर उस लेवल का नहीं है। मेरी निगाह में मैंने उनको जो अल्लाह की राह में जो नेकियां करते देखे, जिस तरीके से पर्दे में रह के लोगों की मदद करते देखे, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, और सऊदी अरब में 2 से 3 घंटे वो डेली जो है वो लोगों की पाकिस्तान में मदद के लिए उन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई हुई थी। तो ज़ाती तौर पे जितनी सदका खैरात और लोगों की मदद वो शख्स करता है और जिस तरीके से करता है वो उस तरीके से करता है जो मेरे नबी की सुन्नत तरीक़ा है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को जो है वो पता ना चले। तो मेरे ख्याल से उनका तो नेमुल बदल पूरी पार्टी में कोई नहीं है, और जहाँ तक नौजवान क़यादत का ताल्लुक है, चाहे वो मरियम बाजी हों या हमजा भाई हों, तो मेरे ख्याल से दोनों ही मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ हैं, और जहाँ तक कोई कंपैरिजन है, कंपैरिजन बहुत, हाँ जी कंपैरिजन है कि दोनों जो हैं वो बड़े दलेर हैं। अच्छा, हाँ जी, मुझे मरियम में ज़्यादा ये लीडरशिप लगती है बाप की वजह से शायद, नहीं हमजा थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना, और हमजा भाई की जो सियासत में एज है वो तकरीबन पहला इलेक्शन सीनियर है, हम लोगों ने इकट्ठे ही लड़ा था, और उन्होंने गालबन इस इलाके से एमपीए का लड़ना था, फिर वो उस साइड पर चले गए, फिर वो तारिक भांडे साहब जो है वो फौत हो गए, तो उनका इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, तो सफ़र इकट्ठा किया, मगर उनमें टीम को साथ लेके चलना, एक उनकी जो लोगों से रابطہ है और लोगों को याद रखना, और गुड़ियाबाजी जो है वो वही कम्बिनेशन है जो पहले मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब का था, और मेरे ख्याल से बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन था, और ये भी आगे चले। सर, पंजाब की अगर बात करें तो पॉलिटिकली तौर पर अभी पंजाब की तरक्की की रफ़्तार वो नहीं रही जो हम माजी में देखते आए थे जब मियाँ साहब का दौर था। आप क्या समझते हैं कि पंजाब वहीं से स्टार्ट होगा तब जब दोबारा से ये सारी चीज़ें सेटल हो गई? सब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं सियासी बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे सर, इंटरव्यू सियासी था नहीं। देखो जी, जिन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, जिनका विजन या आपने पंजाब के साथ इतना बड़ा डिजास्टर किया है, अगर आपने लाना था तो आप कोई पढ़ा लिखा नौजवान लेकर आते अपनी क़यादत में से, कोई इस तरह का बंदा होता जिसका कोई विजन होता, कोई चीज़ें मामला देखी हुई, एक बंदा जिसने जुमा 4 दिन जितना का वजीर आजम है, ना उसने कभी कारोबार किया है, ना वजीर आला ने कभी कोई कारोबार किया, ना कभी कोई काम किया, ना कोई डेवलपमेंट किया, ना कोई विजन है,
तो मेरे ख्याल से इसकी कीमत और खुमियाजा जो है वो आज पंजाब जो भर रहे हैं, और मेरे नहीं ख्याल से कि पंजाब की हिस्ट्री में जनाब बुज़दार साहब से ज़्यादा नाअहल आदमी जो है वो कभी आया होगा या आएगा। सर ये पंजाब के जितने मर्जी वज़ीर आला रहे उनसे आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें, यानी कि परवेज इलाही साहब का अपोजिशन से ताल्लुक था मगर उन्होंने काम किया, काम किया दूसरे काम किए, यहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा खर थे, यहाँ वाई साहब ने बड़ा काम किया, यहाँ पे भुट्टो साहब ने काम किया, आज तक यहाँ पे नकई साहब ने काम किया, मगर जो ये शख्सियत है ये तो पंजाब के उप साथ जो है ज्यादती हो रही है, और मैं ना मानूँ और एक वज़ीर आज़म जो है वो उसको खिलाई जा रहा है, और डेली ब्यूरोक्रेसी का मजाक हो रहा है, और उनको भी जिस तरीके से तब्दीली तबादले हो रहे हैं तो मेरे नहीं ख्याल से चलेगी, और अगर पंजाब ना चला तो पाकिस्तान नहीं चलता। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है जी, अगर पाकिस्तान को चलाना है तो पंजाब को चलाना है। व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हैं उमर सुहेल साहब, इस वक्त हम लेंगे मार्ट ब्रेक, मिलते हैं हम आपका भी शॉर्ट ब्रेक। बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करनी है और मुझे नहीं लगता हमने और कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं। वेलकम बैक नाजरीन, उमर सुहेल भट्ट साहब मेरे साथ है ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। जी उमर साहब, उमर साहब ये बताइएगा, ये नया पाकिस्तान है और एक वो पुराना पाकिस्तान था जो आप लोगों ने तमीर किया था, तो आपको लगता है कि अब गुंजाइश है कि पुराना पाकिस्तान दोबारा से बनेगा? मेरे ख्याल से कि बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करनी है और मुझे नहीं लगता हमने और कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं। आज मैं अपने आप को एक सियासी वर्कर, एक पार्टी का हिस्सा समझ के नहीं, एक आम इंसान होने के नाते ये बातें कर रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, जिस तरीके से हमारी इकॉनमी जो है वो डिटीरिएट हो रही है, और हर चीज़ जो है वो हमारी डॉलर के साथ लिंक्ड है, ग्लोबल विलेज है दुनिया, हर चीज़ आपकी, चाहे जो बिजली के बल्ब ऊपर चल रहे हैं, चाहे ये शर्ट जो आपने पहनी है, चाहे जो घड़ी मैंने पहनी है या जूती मैंने पहनी है, हर चीज़ जो है वो डॉलर के साथ लिंक कर रही है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और खुदा के लिए इस मुल्क की इकॉनमी पर रहम करके कोई अच्छा सा और ख़ुद मुख्तार वज़ीर ख़ज़ाना लेकर आए, अगर कुछ नहीं तो इसहाक़ डार साहब से जो है ये मदद ले ले। मेरे ख्याल से जिस तरह की पाकिस्तान की तारीख में जिस बंदे को मेरे ख्याल से बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए था वो यूरोप में होता तो उनके मुजस्मे बने होते, जिस तरीके से एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद उस बंदे ने डॉलर को काबू में किया, नो डाउट। फिर अब मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, पीपल पार्टी के करप्ट तरीन दौर के बाद और मुशर्रफ के दौर के बाद जहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी, वहाँ पे 10,000 प्लस मेगावाट बिजली 4 साल में पैदा की, 7,000 से ऊपर जो है वो किलोमीटर जो है वो सड़कों के जाल बिछाए, मोटरवेज के जाल बिछाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, LNG लेके आए, और सब्सिडाइज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रोज जो हैं वो लोगों को दी, और इतना कुछ, और अस्पताल में फ्री अद्वियात, PKLI इस तरह के इदारों को मैनेज किया। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से, और प्लस ज़रब अज़ब और वो जो जंगे जो ऑपरेशन फ़ौज ने की उनको मैनेज किया, और स्टॉक मार्केट को जिस तरह उस शख्स ने उठाया, तो आज दिल को बड़ी तकलीफ होती है कि उस तरह का कश्मीर का इशू बड़ा, मैं ये तो कह रहा हूँ, सादा और काम करने वाला शख्स जो हमने उसके साथ किया, और अब जिस तरीके से उसकी रुकनियत जो है हम वो करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब तक इस मुल्क में, इस मुल्क की खिदमत करने वालों को, इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले को अगर गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, इस मुल्क में कोस्टल हाईवे, बंदरगाहें और बाकी मामला, जितनी डेवलपमेंट, जितने पुल, चाहे वो पंजाब में हों, जिस मर्जी जगह पे हों, वो सारे पुल, सड़कें, मोटरवे, हाईवे, यही मियां नवाज शरीफ देखे गया, यही मियां नवाज शरीफ था जिसने क्लिंटन के 5 फोन कॉलें छोड़ के जो है पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और जिस तरीके से बनाया, और आज जो लोग हैं उसको अगर हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने पड़े। और मैं आखिरी बात कहूँगा मियाँ साहब, आप खुद सियाने बयाने आदमी हैं, चोर जो है वो दलेर नहीं होता, इस मुआशरे में कोई चोर होगा तो वो दौड़ेगा, वो वापस नहीं आएगा,
वो अपनी जवान बेटी को लेके जेल की जो है वो कैदों बंद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। सुहेल साहब, अभी क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, यानी कि आप अपने यानी कि एज ए यानी कि पॉलिटिशियन एज ए बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाए या आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? देखिए जी, अगर पार्टी पहले हुक्म करेगी तो हाजिर खिदमत है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह सीट जीत के दी थी, ना मेरे वाले साहब के लिए टिकट लेके हारे। उसके बाद पार्टी का जो सिलेक्शन थी हमने उसे कबूल किया, मगर लोगों ने नहीं कबूल किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब दिल की धड़कन है, मेरी जान तक बात है, मेरी सियासत, मेरा सब कुछ मेरे कायद के साथ है। और मैं उन्हीं को, मेरी ये ख्वाहिश थी, अब आपने ख्वाहिश पूछनी जो रह गई है, कि जिस दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दीरागढ़ पाकिस्त हो, मैं उनके नीचे जो है वो एक एम एल ए, ये मेरी ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश। चले जी, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी करे। सर, आपके वालिद मोहतरम बहुत एक्टिव है सोशली, आप उतने एक्टिव नहीं हैं, क्या आप बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो थोड़ा सा साइड, यानी कि आपने आपस में दोनों ने जिम्मेदारियाँ बांटी हैं इस तरह से? जी, वो आपकी बात ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव है, मीडिया पे ज़्यादा आते हैं। सियासत में आप एक दफ़ा आ जाएँ तो आप सियासत से बाहर नहीं निकलते। गहरी बात है, खुशी गमी फौजगी में हर जगह जाना पड़ता है। सोशल मीडिया एक पावरफुल जो है वो फीचर है, मेरी आलकसी है, मैं वो मुझे उनसे अक्सर पढ़ती भी है। मैं हर महफिल की आखिरी कुर्सी जो है वो जो है पसंद करता हूँ। मैंने देखा अक्सर आप साइड पर बैठे हो। मैं वो सियासत में था नहीं हूँ, मैं वो लाइमलाइट जो है वो पसंद नहीं करता, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उनकी तो मैं खाक बराबर भी नहीं थी, जिस तरीके से मेरे वालिद साहब दोस्तों से प्यार, मेहमान नवाजी, इस उम्र में मैंने देखा बहुत एक्टिव हैं वो। हाँ जी, वो एक्सेप्शनल है जी, ना उन्होंने कभी किसी की मिस कॉल छोड़ी है। तो मैं आई कांट भी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी बाट साहब बेंच कर देते थे, मैं कह जी मैं सुहेल दया बाट नहीं है, मैं उमर सुहेल दया बाट। यानी वो आपसे एक्सपेक्ट करते ना लोग, वही जमीन आसमान का फ़र्क है, और अल्लाह पाक उन्हें उम्र खिदर अता करे जी, वो मेरे लिए। लेकिन मुझे मुझ में वो झलक, आप में वो झलक नज़र आ रही मुझे सुहेल साहब वाली। नहीं जी, वो लोगों की निगाह है, उनका नाम लगता है, उसी से ये इज्जत है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आज जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरे वालिद के नाम से, और अल्लाह उनको उम्र खिदर अता करे, और सबके वालदैन को और लोगों को हिम्मत दे कि अपने वालदैन की खिदमत करें और उनसे सीखें। क्योंकि मेरे हिसाब से नौजवानों से ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके वालदैन से बेहतर आपको मशवरा या चीज़ जो है वो कोई शख्स नहीं दे सकता। अपने वालदैन की कदर करें जब तक अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है, उनकी खिदमत करें और उनसे सीखें और उनकी दुआएं लें। इंशाल्लाह ताला जो सख्तियाँ आप लोगों पर है वो भी दूर होंगी, माली मामलात भी बेहतर होंगे, और हर चीज़ में अल्लाह पाक फजल और बरकत डाले। नो डाउट सुहेल भाई, आपको और आपकी फैमिली को मैंने बहुत सादा पाया है, और सादगी की इंतहा ये है कि थोड़ा सा मेरे व्यूज़ जाना चाहेंगे कि आपके ऑफिस में हम आए, आपने मेहमान नवाजी भी की, आपके आगे ये डोंगा पड़ा हुआ है, लोगों का क्वेश्चन और फीडबैक आएगी, ये डोंगे के ऊपर थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा, क्या इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है और आप इसे क्या यानी कि क्यों रखा गया है? नहीं, डोंगे के बड़े फ़ायदे हैं, ये नीली बोतल साइड पर डोंगे में हो तो आपको पानी लगेगा, आप कुछ भी पी सकते हैं, प्लस गर्मी है तो ये ठंडक भी जो करता है। अगर आपने आज इसकी स्पेशलिटी है, हाँ, अगर आपने आजदी की बात की तो लोग बड़ा कुछ नोट करेंगे, इतनी आजदी है नहीं, आजदी के लिए नहीं रखा हुआ, लाहौर की ट्रेडिशन है चांदी। अब मेरे वाले साहब है वो खाना, अब भी जो उनका खाना है वो मिट्टी की हांडी में बनता है, तो ये कुछ लाहौर की ट्रेडिशन है। ये एक तो बर्तन ठंडा होता है, प्लस ये डक भी देते हैं, इसमें लस्सी पी लो, जो मर्जी पी लो, तो ये कवर भी कर देते हैं, और मुझे आदत है और इस वजह से रखा। ये बड़ी अच्छी बात है उमर साहब कि आपने अपना आप याद रखा, ये हमारा अपना है। हाँ जी, हमारा कल्चरल है पंजाब का, ठीक है ना, उस हिसाब से भी। हाँ जी, आप वेस्टर्न की तरफ नहीं गए, आपने अपना ही सारा कुछ रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, और इम्तिजाज होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बलैती चीज़ें भी पसंद करता हूँ। हाँ, और देसी जो अपना कल्चर, और जहाँ तक आपने खानों की मिट्टी के बर्तन की बात की, नो डाउट आपके घर के खाने वैसे बड़े फेमस है। उम्मीद करेंगे एक और नशिस्त में आपके वालिद मोहतरम को भी कवर करें, वो मिट्टी के बने हुए बर्तनों में खाना आपके साथ खाएं। इंशाल्लाह, ठीक है सर। कोई स्पेशल मैसेज एशियन ट्री टीवी के हवाले से आप देना चाहें
देखें जी, कारोबारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और कोविड में तो मैंने देखा हर बंदा जो है वो ज़्यादा खुदा तर्स हुआ है। मेरे ख्याल से हमें अपने बिजनेसेस में, कारोबार में एक सेट परसेंटेज जो है वो अल्लाह मियाँ से कमिट करनी चाहिए या गुरबा के लिए रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला इससे हमारे माली मामलात भी बेहतर होंगे, और प्लस हमें ज़हनी जो है वो रिलैक्सेशन भी मिलेगी। एक बहुत बड़ी थेरेपी है, आप बहुत परेशान हो, आप किसी की मदद करें तो अल्लाह पाक आपको एक ऐसी तस्कीन देता है। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे कि हमने इर्द गिर्द के मुआशरे को जो है बदले, एक दूसरे को हम बदलेंगे, एज अ सोसाइटी हम बदलेंगे, हम एक शहर से बदलेंगे, एक सूबे से बदलेंगे, तो फिर एक मुल्क को भी बदलेंगे। जब अगर हमने तब्दीली लानी है तो अपने रवैयों में और अपने अंदर लेकर आनी है, और अल्लाह आपका और हमारा हामी होना। बिल्कुल जी, समाजी तौर पे जो तब्दीली होती है वही ज़्यादा होती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये पता है कि आप कैमरे के ऊपर इतना नहीं आते और इंटरव्यूज़ नहीं देते, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपने मसरूफियत में से टाइम निकाला। सर आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि हमारी स्पॉन्सर कंपनी मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से है, उन्होंने स्पेशली आपके लिए दिया है। तो सर ये आपके लिए गिफ्ट है मॉडल। बहुत शुक्रिया जी, मॉडल स्टील वालों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाजरीन जाएंगे, इसके साथ शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए। ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में अगली एपिसोड तक मिलते हैं हम एक नए सफ़र में नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।